अब बात करेंगे जेएमएम की रणनीति की। झारखंड में स्थानीय नीति के खिलाफ जेएमएम ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति के विरोध में 14 मई को झारखंड बंद का ऐलान किया है। वहीं हेमंत सोरेन ने रघुवर दास को तानाशाह की तरह सरकार चलाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष के निशाने पर है। रघुवर दास सरकार स्थानीय नीति घोषित हो चुके रघुवर सरकार की तरफ से, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं जेएमएम की तरफ से कि इस स्थानीय नीति से क्या झारखंड वासियों का भला हो रहा है, क्या मूलवासियों और आदिवासियों को किसी तरह का कोई फायदा मिल पा रहा है। एक तरफ स्थानीयता के परिभाषा में मूल वासियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास, दूसरे आदेश के माध्यम से आज अखबार में हमने कहा देखा कि अब आदिवासियों के भी अधिकार छीनने की तैयारी में सरकार लगी है। और निश्चित रूप से जो समरसता इस राज्य में रहा है पूर्व से आदिवासी मूल वासियों का, उस समरसता को किस तरीके से तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, ये रघुवर सरकार जिस तरीके से तानाशाह के तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह राज्य को चलाने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर कई एक राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, यहाँ के आम नागरिक सड़कों पर उतर रहे हैं। तो जेएमएम का विरोध, 14 मई को झारखंड बंद का ऐलान, स्थानीय नीति के सवाल पर जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, किस तरह की सियासत है ये? इससे पहले भी जेएमएम कई सरकारों का हिस्सा रह चुका है और खुद मुख्यमंत्री रह चुके हेमंत सोरेन, लेकिन स्थानीय नीति के सवाल पर उन्होंने सिर्फ भविष्य का ही दांव खेला, और अब जब कोई सरकार स्थानीय नीति लागू कर रही है तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल राहुल, इसमें ये जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि जेएमएम को सत्ता में रहने का मौका नहीं मिला जी। हेमंत मैक्सिमम टाइम झारखंड में सत्ता में रही है, मिली जुली सरकार में रही है, और यहाँ तक कि हेमंत सोरेन को और जो जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन, उनको सरकार का नेतृत्व करने का भी मौका मिला, लेकिन स्थानीय नीति का जो मामला था वो अनसुलझा ही रहा। इस बार रघुवर सरकार ने स्थानीय नीति की घोषणा की है, लेकिन अब जेएमएम इस स्थानीय नीति पर सवाल उठा रहा है, सवाल इस बात को लेकर कि आदिवासी और मूलवासियों के साथ धोखा किया जा रहा है, और जब तक स्थानीय नीति को वापस नहीं लिया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। और इसी के तहत 14 मई को झारखंड बंद कॉल किया गया है और 20 से 28 तक जनजागरण, 30 अप्रैल को प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिला सभी प्रखंड स्तरों पर राज्यव्यापी है, 7 मई को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर है और 13 मई को मसाल जुलूस राज्यव्यापी है। ये तमाम जो प्रोग्राम है उसकी घोषणा आज हेमंत सोरेन ने की है राहुल, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या विरोध सिर्फ राजनीति के लिए हो रही है? और इस वक्त आपको बताते राहुल, हमारे साथ जेएमएम के विधायक जो हैं योगेंद्र प्रसाद, जो कि गोमिया से हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। योगेंद्र जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल यही उठ रहा है कि आपके पार्टी के सुप्रीमो हो या फिर कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, दोनों ही लोगों को झारखंड में सत्ता को संभालने का मौका मिला लेकिन स्थानीय नीति के मामले पर चुप रहे, अब जब रघुवर सरकार ने स्थानीय नीति घोषित कर दी है तो आप विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जहां हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को 14 महीने का राज्य की जनता ने इसको अवसर दिया था, लेकिन वह 14 महीना में 2-3 दलों का समर्थन से सरकार बना था, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बाध्यता थी, कहीं न कहीं लोग टांग खींचने का काम क्या करते थे। हेमंत जी अगर स्थानीय नीति घोषित करना चाहते थे तो समर्थक दल थे वो अपना टांग खींचना चाहते थे, तो ये विरोधाभास कहीं न कहीं था, लोग नहीं चाहते थे या सामंजस्य नहीं बन पाया। और उसके 14 महीने में दो चुनाव भी जिले, ये 14 महीने का अवसर केवल कह देने से 14 महीने में बहुत चीजों को, ये 14 महीने तो हेमंत सोरेन सीएम थे, लेकिन इससे पहले मुंडा गवर्नमेंट में हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम के रोल पर थे, इससे पहले शिबू सोरेन सीएम रह चुके थे झारखंड के, उस वक्त क्यों नहीं आपकी पार्टी? मैंने कहा कि स्थानीयता हर समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का
विशेष पहलू में रहा है, प्राथमिकता में रहा है। मैंने कहा कि जितने भी सरकारी सरकार बनी है आज इस सरकार से पूर्व में, वो सभी एक दूसरे के सहयोग से बनी थी, तो कहीं न कहीं आपस में लोगों का तालमेल नहीं मिल पाता था, जिसके चलते योगेंद्र की आगे भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिरकार ऐसे हालात पैदा होते ही क्यों हैं, जब तत्कालीन मुंडा सरकार गिराई थी उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उस वक्त उन्होंने 7 निश्चयों का हवाला दिया था कि भाई 7 बातें जो हैं वो लागू होंगी, इसी के बिना पर उन्होंने सरकार गिरा दी थी। और उसके बाद जब 14 महीने तक रहे तो स्थानीय नीति के मसले पर चुप्पी साध ली थी हेमंत सोरेन ने। तो शायद यही सियासत है और झारखंड में सियासत जारी ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बात करने के लिए। अहम सवाल ये कि जेएमएम और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जिस तरह की सियासत झारखंड में कर रहे हैं, उसकी वानगी किस तरह से दिख रही है, क्या इसका मतलब है? जब 14 महीनों तक सरकार में रहे हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री रहे, तब स्थानीय नीति पर कुछ नहीं किया, और अब जब रघुवर सरकार आई है, स्थानीय नीति घोषित हुई है, तो उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। बात करेंगे दूसरी खबरों की। पतरातु और उसके आसपास के 25 गांवों के विस्थापित ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इस जल सत्याग्रह में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हैं। दरअसल ये ग्रामीण पतरातु डैम के पानी में खड़े होकर राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पतरातु थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 1962 में 6500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 4 चरणों में किया गया था, लेकिन आज तक इन्हें ना जमीन का पूरा मुआवजा मिला और ना ही नौकरी, जिसके कारण आज तक विस्थापन का दंश ये झेल रहे हैं। और अब राज्य सरकार 1200 एकड़ जमीन एनटीपीसी को दे रही है, जिस पर एनटीपीसी प्लांट लगाएगी। ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष कुमार ने पतरातु डैम पहुंचकर जल सत्याग्रह का जायजा लिया। पतरातु और उसके आसपास के 25 गांवों के ग्रामीण आज जल सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा है। सरकार की विस्थापन की नीति के विरोध में इन्होंने जल सत्याग्रह छेड़ा है। मैं इस वक्त पतरातु डैम में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं घुटने भर पानी में पतरातु और उसके आसपास के 25 गांवों के ग्रामीण जो हैं, महिला पुरुष सारे लोग जो है एक लाइन से जो है जल सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा है। इन लोगों की मांग है कि इन लोगों की जो जमीन 1962 में ली गई थी, करीब 6500 एकड़ जमीन ली गई थी 4 चरणों में, उसका मुआवजा ना ही नौकरी आज तक इन्हें मिला है। करीब 60-65 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके कारण इन लोगों में काफ़ी गुस्सा है, उबाल है, जिसको लेकर के आज राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए जल सत्याग्रह? हम लोग का जो 45-50 साल से पीटीपीएस के बने हो गया और 25 गांव का 6500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ, आज तक 6500 एकड़ जमीन के जो विस्थापित उत्तराधिकारी हैं और प्रभावित ग्रामीण हैं उनको नौकरी नहीं मिला। जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप बताएं कब ली गई थी जमीन, कितना जमीन आपका गया इसमें? 61-62 में मेरा जमीन गया है 24 एकड़ 8 डिसमिल, और आज तक जो है उसके बदले में नौकरी मुआवजा और जो पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं किया गया है। सरकार का नीति दोहरी नीति है। इन्होंने जब चुनाव में आया था तो बोला था नहीं चलेगी भ्रष्टाचार की मार, नहीं चलेगी महंगाई की मार, नहीं चलेगी बेरोजगारी की मार, अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन का पहचान यही है, जल समाधि ले, जल सत्याग्रह करे। अब विस्थापन का जो इतना बड़ा मुद्दा है झारखंड में, सारा जो सरकार जो तय किया है रेट, हम तो सरकार से ही कहेंगे आपके माध्यम से कि सरकार जो दर तय की है वो औद्योगिक दर तय किया है, चूँकि यहाँ पर एनटीपीसी आ रही है, एनटीपीसी उद्योग लगा रही, कोलवरी खुलेगी, पावर प्लांट लगाएगी, उससे धनोपार्जन करेगी और इसको बिजली उत्पादन करके इसको बेचेगी, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको व्यावसायिक दर दे। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, तभी जो है आसपास के 25 ग्राम के ग्रामीण जो है सैकड़ों की संख्या में जल में उतरे हैं, जल सत्याग्रह छेड़ा है। आगे इनकी रणनीति है, 24 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है उसको ये सांकेतिक रूप से उसका विरोध करेंगे, आगे और भी आंदोलन को और भी तेज करने की कोशिश करेंगे ताकि इनका जो हक और अधिकार है वो इन्हें मिले। कैमरामैन अरुण के साथ आशुतोष कुमार, जी मीडिया, पतरातु डैम, रांची।
तो पतरातु डैम पर विरोध प्रदर्शन लोगों का जारी है। जल सत्याग्रह के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो जमीन इन्होंने दी है उसका मुआवजा आज तक इन्हें क्यों नहीं मिला। बहरहाल सियासत किस तरह सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित रह गई है, जरा इसकी बात भी कर लें। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पहुंचे तो थे इन जल सत्याग्रह करने वाले प्रदर्शनकारियों के समर्थन में, लेकिन नेताजी को शायद अपने जूते और पायजामे के गंदा होने की फिक्र बहुत ज्यादा थी, इसलिए पानी में बगैर उतरे किनारे में एक पत्थर पर खड़े होकर फोटो खिंचा लिए, चंद शब्द कहे और शान से चलते बने। और पुरवैया स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।